खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर सेवन सी, खबर जो सच है। खबर सेवन सी में विशाल पटेल के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। एक दर्जन से अधिक गौवंशों की तड़प कर मौत, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं उनके मांस। बताते चलें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे गौरक्षा के तहत गौशाला योजना में ग्राम प्रधान अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यह मामला सीतापुर के जब हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इसकी जांच की। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे गौरक्षा के तहत गौशाला योजना में ग्राम प्रधान जेबें भरने का काम कर रहे हैं, ऐसा एक मामला लहरपुर तहसील क्षेत्र के कुरैया गंगादास में देखने को मिला, जहां ग्राम प्रधान अमरीश कुमार ने गौशाला के लिए आई रकम से सिर्फ तारों की बाउंड्री करवाकर अन्य सारी रकम खुद डकार गए, जिसमें कि आज रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां गौशाला गायों में लगभग एक दर्जन से भी अधिक गाय मरी हुई पाई गई, जिनके कंकाल चील कौवे व कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जब इस बात की सूचना क्षेत्रीय विधायक सुरेश राही को मिली तो वह तत्काल जिला मुख्यालय से मौके पर पहुंच गए। विधायक ने मौके पर जब ऐसा मंजर देखा तो वह आग बबूला हो गए और तत्काल विकास खंड प्रधान जी, ये गौशाला बना हुआ है, ये इसमें जो गायें मर रही हैं, इनका क्या मामला है, गायें मर क्यों रही हैं? गायों मरने के लिए हमने तो 3 महीने पहले दो महीने से आगाह किया था कि अगर टीन सेट नहीं पड़ेगा दूसरा तो ठंडक में कौन बचाएगा इनको। कोई व्यवस्था नहीं हो रही है टीन सेट की, कोई पैसा नहीं आ रहा है। इसकी शिकायत कहीं की आपने? हाँ, SDM साहब को की, DM को की, लिखित BDO को की। इस पर कोई सुनवाई हुई या नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई प्रधान जी। ये गौशाले के अंदर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा ये कंकाल पड़े हुए हैं और जो गायें मरी हुई हैं, इनका जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? इनका जिम्मेदार है प्रशासन। प्रशासन जिम्मेदार? हाँ। आप कौन है यहाँ के? हम प्रधान हैं। क्या नाम है? अमरीश कुमार। कौन सा गाँव है? कुरैया गंगादास। गौशाला में कुछ गायों की मौत, क्या पड़ा मामला? कल शाम को इस बात की जानकारी हुई कि वहाँ पे कुछ जानवरों के अवशेष पड़े हुए हैं, तो सूचना पे मौके पर उप जिलाधिकारी लहरपुर और BDO लहरपुर गए थे। माननीय विधायक जी भी वहाँ पहुँचे हुए थे। जो वहाँ पे जानकारी मिली उसके अनुसार जो मौखिक बात हुई रात को, उसमें ये पता चला कि रात तक जानवरों की जो गणना हुई उसमें 172 जानवर गो आश्रय स्थल में मिले और 183 जानवरों की वहाँ पे रखे जाने की बात आई थी। कुछ ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि कुछ जानवर सुपुर्दगी में दिए गए हैं। रात हो गई थी इसलिए जांच नहीं हो पाई है। अभी वर्तमान में BDO मौके पर हैं, वो उसकी जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर से जिला विकास अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भेजा गया है, वो लोग मौके पर जा रहे हैं और जैसी स्थिति होगी और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लाल गाय के मिले हैं आपको, कैसे सूचना आपको मिली? मुझे आज फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ गाय मरी पड़ी हुई हैं और काफ़ी कंकाल पड़े हुए हैं। मैं तत्काल यहाँ पे आया, एक कार्यक्रम में जा रहा था, उसको छोड़ कर मैं सीधे यहाँ पे आया और देखा कि यहाँ पे वास्तव में कई कंकाल और मरी हुई गायें पड़ी हुई थी और कुछ गाय तो सड़ रही थी। गौशाला जो चला रहे हैं उन्होंने बिल्कुल घोर लापरवाही की है और उन मरी हुई गायों को यहाँ के आवारा कुत्ते खा रहे थे। और मुझे लगता है इस तरीके से अगर घटनाएं हुई आगे तो शायद इस गांव के आसपास, जैसा कि खैराबाद में कुत्तों द्वारा ढेर सारे बच्चों को मार दिया गया था, इस तरह की घटना यहाँ पे हो सकती है। प्रधान का आरोप है कि वो प्रशासन के पास कई बार शिकायत भी कर चुका है, उसके बाद भी ये कोई ध्यान नहीं दिया गया? नहीं नहीं, प्रशासन ने सारा पेमेंट कर दिया इनको, है हर माह इनको पेमेंट मिल रहा है। और प्रधान ने मुझसे भी झूठ बोला कि मुझको यहाँ पे चारे का पैसा नहीं मिलता है। SDM साहब मौजूद हैं, आए हैं, उन्होंने बताया कि इसको पैसा बराबर मिल रहा है। और यहाँ पे 192 गाय जिनकी टैगिंग की गई थी और मौके पे सिर्फ मात्र 64 गाय ही यहाँ मौजूद हैं जिनको टैग किया गया था।
इस बारे में बाकी गाय लापता हैं, कहां गई, उनका क्या हुआ, ये जांच का विषय है। और मैंने एसडीएम साहब से बोला है कि इनके खिलाफ एफआईआर लिखाई जाए, जांच की जाए कि आखिर वो गाय कहां गई हैं।